दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। एक स्त्री की सुंदरता उसके लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है, चाहे वो सुंदरता चेहरे की हो, बालों की हो या फिर नाखूनों की। दोस्तों आयुर्वेद में प्राचीन समय से ही स्त्री की सुंदरता की समस्याओं के समाधान के लिए भी काफी बड़े बड़े नुस्खे उपचार बताए गए हैं, लेकिन एलोपैथी के बढ़ते प्रचलन के कारण ये सारे हमसे दूर हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके नाखून बद्दे हो गए हैं या फिर कमजोर हो गए हैं तो उसके लिए एक प्राचीनतम नुस्खा। ये नुस्खा दोस्तों काफी आसान है, काफी कारगर है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये नुस्खा आपके नाखूनों की समस्याओं को खत्म करता है, साथ ही नाखून में चमक लाता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं नींबू का। आप क्या करें, अगर आपके नाखून बद्दे हो गए हैं या फिर कमजोर हो गए हैं तो इसमें आप क्या करें, रुई लें और रुई में नींबू का रस लें और इस नींबू के रस को कमजोर नाखूनों पर रगड़ें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप नींबू के छिलके को भी नाखूनों पर रगड़ सकते हैं। कुछ देर रगड़ने के बाद नाखून को ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आप पानी से धो लें। ये दोस्तों उपाय आपको लगभग 7 दिनों तक करना है। 2-3 दिन में ही आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों नाखूनों में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती है, अगर आप अपने नाखूनों को लंबा करना चाहते हैं तो भी वो टूट जाते हैं, ऐसे में उसे हम कमजोर नाखून बोल सकते हैं। उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है, नाखूनों की चमक के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों सबसे पहले जब आप नींबू का रस लगाएंगे तभी से ही आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार नींबू का रस नाखूनों पर मलने से ही नाखूनों की कुदरती चमक वापस आ जाती है और इससे नाखून मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों ये था एक प्राचीनतम नुस्खा नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए। आप इसे आजमाएं और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।